हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं LLB 6 सेमेस्टर के एग्जामिनेशन पेपर के बारे में, जो LLB 6 सेमेस्टर का प्रथम पेपर है, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ। दोस्तों 3 घंटे का ये पेपर रहेगा और पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लघुत्तरी प्रश्नों में से आपको 40 अंक के प्रश्न करने हैं और प्रथम प्रश्न करना अनिवार्य है, और उसके बाद से 4 इकाई दी होंगी, 4 यूनिट में से आपको प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन करना है, जो 15 नंबर का होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों है, कर के आवश्यक तत्व को समझाइए। अगला क्वेश्चन है, कृषि आय से आपका क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है, कर तथा दंड जुर्माना की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, करदाता पहचान संख्या से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, विवरणी का क्या अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, GST के प्रकार की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कर योग्य धन को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, काला धन से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर राज्य व्यापार से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत व्यापारियों के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है, बताइए। अगला क्वेश्चन है, कर अपवचन से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील कराधान से क्या तात्पर्य है। दोस्तों अब आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करना है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, उसमें से आपको सभी यूनिट से 1 क्वेश्चन करने हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कर विधियों से संबंधित मौलिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, करों की प्रकृति तथा विशेषताओं की विवेचना कीजिए एवं कर अपवचन तथा कर अपवचन में अंतर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, दूसरे यूनिट से अगला क्वेश्चन है, आय के विभिन्न खंडों की व्याख्या कीजिए। वेतन से प्राप्त आय का विशेष संदर्भ लेते हुए कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कर अधिनियम 1961 की धारा 57 के अंतर्गत कौन सी आय घटाकर कर निर्धारण होगा, व्याख्या कीजिए। तीसरे यूनिट से क्वेश्चन है, धन कर अधिनियम 1957 के अंतर्गत अपराध तथा साथियों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, धनकर अधिनियम के निर्णय के विरुद्ध अपील से संबंधित प्रावधानों को समझाइए। अगला क्वेश्चन चौथे यूनिट से है, सेवा कर विधियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सेवा कर विधि के अंतर्गत अपराधों और साथियों का वर्णन कीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।